ये देखिए जी, हम इस टाइम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। ये सामने जो आबादी आप देख रहे हैं, ये सामने इंडिया है। ये सामने आप देख सकते हैं जी, ये सारा इंडिया का इलाका है। और ये देखें, ये सामने इंडिया का झंडा लगा हुआ है। ये जो आप दरिया देख रहे हैं, दरिया इस तरफ पाकिस्तान है और उसकी दूसरी तरफ ये सारा इंडिया है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ये देखें सामने इंडिया के लोग फिर रहे हैं, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सारी इंडिया की आवाम है। ये है जी LOC का इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये इंडिया में है। और ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया है और ये सामने आप देख सकते हैं इंडिया है। तो जब हम जा रहे थे तब भी इधर से होके गए थे, लेकिन इस पॉइंट पर हमने ब्रेक नहीं लगाई थी। अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं, थोड़े फ्रेश होते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं आगे की तरफ। ये दोस्त वगैरह बैठे हैं, अभी थोड़ा इंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम फाइनली जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे थे वहां पहुंच गए हैं, कोटन के मुकाम पर। ये आप सीन देख सकते हैं, नीचे दरिया है और सामने घर वगैरह, और ये ऊपर पहाड़। बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ का। कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा ऐसे ही नहीं कहते, वाकई ये जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कंगाल शाही वाटरफॉल। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। माशाल्लाह जी, यहाँ का बहुत ही खूबसूरत मंजर। पानी का बहाव देखें आप, बहुत ही अच्छा यहाँ का।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है यहाँ का। माशाल्लाह जी, बहुत ही पुरसकून जगह है ये। यहाँ पर सिर्फ पानी का शोर सुनाई दे रहा है, इसके अलावा यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है किसी किस्म की। अभी मैं इस वक्त ये एक पुल बनाया गया है दरिया के ऊपर, लकड़ का पुल है, मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ अभी। जो पहाड़ी के ऊपर घर बनाया गया माशाल्लाह, इसका एक अपना ही लुत्फ है और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। पानी की स्पीड आप चेक करें, बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक ये काफ़ी गहरा भी होगा पानी, देखने में यहाँ से इतना फील नहीं हो रहा। माशाल्लाह जी, पानी गिरने का ये कितना खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह यहाँ पर। ये आप जो सामने फसल देख रहे हैं, ये मकामी लोगों ने यहाँ पर काश की हुई है और ये मकई की फसल है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये सारा, यहाँ पर मैदानी इलाका नहीं होता, तो पहाड़ों पे जितनी जितनी जगह मिलती है वहाँ पे ये काश कर ली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम वाटरफॉल के बिल्कुल सामने आ गए हैं। पानी का प्रेशर आप देख सकते हैं और पानी की फुहारें उड़ के हमारे ऊपर आ रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। ये सामने मछलियों का शिकार हो रहा है भाई, ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं वाटरफॉल से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वाटरफॉल का विज़िट करने के बाद अभी हम केरन की तरफ निकलेंगे, तो क्योंकि अभी शाम के तकरीबन 4:30 बज चुके हैं और हमें जब जाते काफ़ी टाइम मिलेगा। वो यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं केरन की तरफ। तो इंशाल्लाह आप भी विज़िट करवाते हैं वहाँ का, हम भी इंजॉय करें और आप भी इंजॉय करें। चलते हैं केरन की तरफ।